गोल लगतानी हिंदुस्तान और एक बार फिर सरुआ सबके हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करतानी डांस के सबसे अनोखे युद्ध में जोना के नाम है नेशनल एवरीडे डांस संग्राम। पत्ता पत्ता बूटा बूटा आज यह बात पे इतरा रहल बा कि जेकरा छांव में पल के सयान भइल लोग, जेकरा डाली पे खेल के झूम के जवान भइल लोग, लाखों के भीड़ के चीर के उहे योद्धा आज यह मंच पे भोजपुरिया डांसिंग वर्ल्ड के सबसे बड़का सुपरस्टार बने के दावेदारी पेश कर देले वालों। लेकिन आज शुक्रवार के रात है, जेकर परफॉर्मेंस आज पड़ जाए कमजोर ओके मन छोड़ के जाए के पड़ी। फैसला करिए हमार बड़की माई, तो जोरदार ताली से स्वागत करिए मंच के महागुरु बड़की माई के। और अब स्वागत के बारी बाटे हमरा बाएं तरफ अपने टीम के कमान मजबूती से संभाल के बैठल बाड़ी जोशीले टीम के संभावना सेठ जी। और अब तनी जोरदार ताली से स्वागत करी सभे अपना जाबाज सिपाहियन के कमान के संभाल के रूप के रानी बैठल बाड़ी जेकर जादू घर घर में चलेला श्वेता तिवारी जी। जैसन की पिछला एपिसोड में दोनों टीम के एक एक योद्धा सुरक्षित योद्धा हो गए रहे, श्वेता जी के टीम से गौरी चैत्री जी और संभावना जी के टीम से अविनाश बाबू, बाकी बचल तीनों योद्धा लोग के तीनों जोशीले लोग के लड़ावे खातिर लड़े खातिर और जवाब देवे खातिर श्वेता जी के कही जाबाज तैनात हुए और आज अपन रूप भी बहुत विचित्र बनौले हुए। ताई सबे चलल जाओ श्वेता जी से पूछल जाओ, श्वेता जी आपके जाबाज के आज कैसन तैयारी बा? देखिए तैयारी तो हर हफ्ते ये बहुत जोर शोर से करके आते हैं, बस यहाँ पर किसकी किस्मत साथ दे जाती है और किसकी मेहनत रंग लाती है वो तो बाद में अम्मा के कमेंट्स ही बताते हैं, तो लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। गिनती नहीं गिनी जाती है, हौसला देखा जाता है, वो चाहे एक है वो 100 के बराबर भी हो सकता है कि नहीं। बड़की माई के कहल एक एक शब्द में आप लोग खातिर के संदेश भी बा और शिक्षा भी बा, और आज जौन इस संग्राम रचल गेल बा ओमे आप लोग के खातिर के दोहरी कसौटी बाटे और ए पर जे खरा उतरी वही के मिली ये मंच पे आगे बढ़े के मौका। और पहिलका राउंड के नंबर तो हम बता देव, लेकिन जो दूसरका राउंड होई डुएट वाला राउंड होई ओकर नंबर बतावल जाई आखिरी में, और वही के जोड़ के फैसला लिहल जाई कि आज कौन योद्धा मंच के छोड़ के जाइए। आई सबे सबसे पहले उ दू गो योद्धा में से एक योद्धा के बुलावल जा जे आज सुरक्षित हुए, जे के आज यहाँ से जाए के कोनो डर नहीं खे। चलल जाओ हमनी के संभावना जी के लगे और उनकरा जोशीले टीम से बुलावल जाओ अविनाश बाबू के। सुरक्षित हवा कहा है डरा के, आज तू छुपत हवा आवा आजा, गली में गर्दा उड़ गेल बा का सोच के आज चुन ले रहा है गाना? कैसे कि हमके लगा ला कि भोजपुरी गायना कैले हमके काफी देर हो गेल बा, ऐसे हम सोच लिए एक थे वेरिएशन दे या भोजपुरी गाना करी। और कल्लू जी के गाना चुन ला है, बहुत बढ़िया चला हमनी के, चल जाओ बड़की माई के लगे। He is a fantastic dancer. थैंक यू मैम। बहुत अच्छा नाचे आप, कॉन्सेप्ट भी अच्छा था, एक चीज को लेके आपने उसको अच्छा प्रॉप बना के यूज किया, मैं ये नहीं कह सकती कि आपने नहीं यूज किया, इट्स वेरी गुड। थैंक यू मैम। हम चाहता नहीं कि तू अपना टीम के हौसला बढ़ावा, अपन स्थान ग्रहण करा और हमनी के अगली योद्धा के बुलावल जाओ। संभावना जी के जोशीले अविनाश बाबू दिल खोल के नचले हैं और सबकर दिल जीत ले हैं। अब अहीं एगो और सुरक्षित योद्धा बाचल बाणे श्वेता जी के टीम से, हमनी के उनकरो तैयारी देखल जाई ओकरा बादे आज के घमासान शुरू होई। रउआ सब कहीं जाई मत कहें कि उहर सपना जोना में बसेला प्राण, उहर सपना जोन भरेला उड़ान, उहर सपना जोन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है डांस संग्राम।
एक बात के ध्यान रहे, आज जौन योद्धा चूक गई, वो बड़ा नजदीक पहुंच के और ओके वापस जाए के पड़ी। लगभग 2.5 महीना तक के मंच पे अपन दावेदारी जे कायम रखले बाटे, जे अपने आप के साबित कैले बाटे, अगर आज एगो चूक हो गई तो उनके मन छोड़ के जाए के पड़ी। लेकिन आज जेकर परफॉर्मेंस रही सबसे मजेदार, ओकरा के दिहल जाए मजेदार परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब। अब हम बुलावता नहीं आज के दूसर का सुरक्षित योद्धा के, दुर्गापुर से गौरी चैत्री जी के। और बल्की माई आज हमें को निवेदन कहल चाहता नहीं, गौरी चैत्री के परफॉर्मेंस हम पीछे बैठ के रोज देखिला, अगर आज आपके अनुमति होके तो हम इनका जगह पे बैठ के इनका परफॉर्मेंस देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोनो डर नहीं खे दिनेश, जिस तरह से आज गौरी नाच रही थी, सच में ऐसा लग रहा था कि पहली बार सेफ हुई है तो पगला गई है, पागल हो गई है, पागलपन में नाच रही है कि मैं सेफ हो गई, खुशी से खुदकुशी करना चाह रही है, आपको भी नचा रही है, संभावना को भी नचा रही है, मतलब खुशी में पागल हो गई है वो। मैं इतने परफॉर्म के बाद पहली बार सेफ हुई हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। नहीं वो तो सब ठीक है गौरी, लेकिन तुम ये बताओ कि ये गाना क्यों किया तुमने, ये आई एम सुपर सेक्सी, हमें मालूम है तुम सेक्सी हो, लेकिन ये बताने की क्या जरूरत है हमें? वो भी संभावना के बगल में जाके खड़े हो गए, लिसन आई एम सुपर सेक्सी। इट वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस गौरी। चलो अब चल जाओ बड़की माई के लगे। बड़की माई पूरे स्टेज पे आग लगा दिया, देखो दिनेश जी कैसा नाचे आपके साथ, वो सब असर है आपके फायर का। वेरी गुड, गौरी जी आज हमने के अब घमासान के शुरुआत कर जाओ और बुलावल जाओ अपने वो योद्धा लोग के जेकर आज यहाँ परीक्षा होके वाली बा, जिनमें से एक योद्धा के जाए के बाद तो आप अपन स्थान ग्रहण करें। दोनों सुरक्षित योद्धा के जश्न तो हमनी के देख लेनी जा, लेकिन अब बारी बाटे शुक्रवार के रात के, जब आज यह मंच पे योद्धा लोग में से केहू एक का सफर आज यही रुक जाई। ताई सबसे पहले हमनी के चलल जाओ जोशीले टीम संभावना जी के, और उनका से पूछल जाओ कि केकरा के भेजा तारी। आज सबसे पहले मैं भेजना चाहूंगी झारखंड रांची की मेरी प्यारी कोमल। कोमल 2.5 महीना 10 हफ्ता और 20 एपिसोड अब तक तू यह मंच पे अपन दावेदारी कायम रख ले हो, आज एक गलती एक चूक आज कोनो भी योद्धा के मंच से जाए पे मजबूर कर सके रे, तोरे मन में का चला था? सर इस बार मैं अपनी मेंटोर को प्रॉमिस करके आई हूँ कि इस बार मैं नहीं जाऊंगी। आई सबे देखल जाओ कि आज कोमल की तैयारी कैसे ना? सबसे पहले चल जाओ हमने के श्वेता जी के लगे। श्वेता जी कोमल, पिछले हफ्ते जो मैंने आपसे कहा था कि आपके अंदर वो उम्फ्स जो है वो आया नहीं निकल के, आप कैबरे इतना अच्छा कर नहीं पाए, मेरे ख्याल से आपने डिसाइड कर लिया था उसी वक्त कि नेक्स्ट वीक जो ये उम्फ्स कह रहे हैं कि उम्फ्स नहीं है वो सारा मैं मतलब घोल घोल के इन्हें पिलाऊंगी, तो वो सारा का सारा एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, योर एवरी मूव वाज सो क्लियर, इट लुक्स सो नाइस, वेरी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
आई एम वेरी हैप्पी विद कोमल. लास्ट टाइम के परफॉर्मेंस के बाद कोमल को मालूम है कि काफ़ी डांट पड़ी थी मुझसे, और इतना मोटिवेशन देने के बाद भी बहुत नेगेटिव हो रही थी ये, बट आज जो पॉजिटिविटी स्टेज पे दिखाई है प्लीज़ ये बरकरार रखना कोमल, ऑल द बेस्ट. जी मैम, आज सचमुच मुझे हेलेन याद आ गई. हर मूव वॉज सो सेक्सी, सो माइंड ब्लोइंग. थैंक यू अम्मा, यू रियली ब्लू माई माइंड. सोचो औरत होके तू मेरा ब्रेन ऐसा कर सकती है तो मर्दों पे क्या गुजरी होगी. ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि कोई तुमको ये कहे कि मर्दों की नींद हराम कर दी तूने. थैंक यू. तुम समझ गई हो कि सेक्स और सेक्सी में क्या फर्क है. वेरी गुड, फैंटास्टिक. कोमल जैसन की आज नियम बटे, पहलका राउंड में हम बड़की माई से नंबर पूछ के बता दे, दूसरका राउंड के हमनी के नंबर ना बतावल जी, वो आखिरी में पता चली, तो अब हमनी के पूछ ले जाओ बड़की माई से. बड़की माई कितना नंबर देनी है आप कोमल के? जब दुआएं दी है तो मार्क्स भी उतने ही होंगे, 40. सर ये क्रेडिट सिर्फ हमको ही नहीं हर किसी को जाता है. मेरी संभावना मैम को, वो हमेशा कोमल ऐसे कोमल वैसे, हमेशा रिहर्सल में आके नहीं ऐसे नहीं, नहीं वैसे नहीं. मेरी ज्योति मैम को जो सिखाई है, बेनी दी, गिरीश सर, सर हर किसी को, सचिन सर हर किसी को. सर मैं आज यहाँ पे हूँ तो हर किसी के. ये तो मानी हुई बात है, एक अकेला तिनका कुछ साफ नहीं कर सकता है, झाड़ू होता है तो साफ होता है. इस एग्जाम्पल के लिए खड़े होकर ताली. ये माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल. थैंक यू वेरी मच. संभावना जी के पहल के योद्धा कचकचा के नचले बा और जीत लेले बा सबकर दिल. यहाँ तक कि बड़की माई उनकरा के कह देली है कि तू हौ सबसे बढ़िया डांसर. ता आई सबे हमनी के देखल जाओ कि श्वेता जी के टीम में जोन आज धुरंधर आवे वाला बाणे दीपू बाबू, उनकर जलवा कैसन हुई हमनी के जानल जाए. हुआ सब कहीं जाई मत, काहे कि उहर सपना जोना में बसेला प्राण, उहर सपना जोन भरेला उड़ान, उहर सपना जोन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है डांस संग्राम. आज पहल के योद्धा ए मंच पे आग लगा देले बा. हमनी के आज देखल जाई कि दूसरका योद्धा जोन आवे वाला हमें श्वेता जी के टीम से, उनकर रंग कैसन रही, काहे कि आज के रात एक योद्धा के मंच के छोड़ के जाए के पड़ी. और इत अभी पहलका राउंड रहल जोना में कोमल जीत लेली है बड़की माई के दिल और उनका मिल गई है 40-40. ता आज जेकर परफॉर्मेंस रही सबसे बढ़िया, ओकरे के मिली मजेदार परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब. ताई अब तनी चलल जाओ हमनी के श्वेता जी के टीम में और बुलावल जाओ रांची झारखंड से दीपू बाबू के. दीपू बाबू जैसन की तोहरों के पता हो गई लोही कि आज दूदू को इम्तिहान देवे के बा, और सबसे बड़ बात ये बाटे कि आज जेकर परफॉर्मेंस कमजोर पड़ जाई ओके इतना दूर तक अइला के बाद वापस लौटे के पड़ी खाली हाथ. देखिए दिनेश भैया, ये कहना बहुत गलत होगा कि मुझे डर नहीं लग रहा है, डर बहुत ज़्यादा लग रहा है. हमारी टीम में मात्र 2 लोग बचे हुए हम लोग. आज मैं जो भी करूँगा अपने टीम के लिए, श्वेता मैम के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जो बोलेगा मेरा परफॉर्मेंस बोलेगा. दीपू बाबू एक बात और कहल चाहब हम कि गौरी जी पहले ही से सुरक्षित हैं, मात्र एक गो योद्धा तू बचल होगा श्वेता जी के टीम में. श्वेता जी खातिर के, अपना टीम खातिर के तो तू करबे करबा, लेकिन तुहारे गो खास दोस्त तोहरा खातिर के कुछ संदेश भेजले हुए, अब तनी देखल जाओ कर एक झलक. हाय दीपू, मैं हूँ आकाश, भूला तो नहीं. जहाँ तक मेरे तबीयत का सवाल है, बीमारी तो काफ़ी गंभीर है लेकिन मेरे हौसले इतने बुलंद हैं कि मैं इसे काफ़ी हद तक ठीक कर चुका हूँ.
और जहाँ डॉक्टर ने कहा था अरे भाई तुम तो 3 महीना अभी डांस तो दूर की बात ही मत करना, वहाँ से काफ़ी उभर कर आ रहा हूँ और बस तुम्हारे लिए शुभकामना देना चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे परफॉर्म करो। और मैं वापस जब आऊँगा तो ये वादा करता हूँ कि पक्का तुम्हारे साथ डांस ज़रूर करूँगा और फिर पुरानी मस्ती, पुरानी धूम और बस पूरे जोश के साथ दोनों मिलकर डांस करेंगे। बिल्कुल आकाश, अगर तुम टीवी देख रहे हो तो बस मैं ये बोलूँगा कि तुम्हारा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आओ और हम साथ में करेंगे और मैं इतने आसानी से यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। यह जुनून और यह जोश के जरूरत बाटे ए महामंच के महाविजेता बने खातिर, जौन जोश हमनी के देख रहल बानी जा दीपू बाबू में, तो आई हमनी के देखल जाओ कि आज इनकर तैयारी कैसन बा। मूर्ति में भी जान फूंक दे वही का नाम संगीत है। बस कुछ अलग दिखाने की कोशिश थी। अब हमनी के चलल जाओ संभावना जी के लगे और उनका से पूछल जाओ कैसन लागल है तुम्हार कोशिश। पत्थर में भी जो जान डाल दे उसका नाम संगीत है, मेरे हिसाब से उसका नाम दीपू है। दीपू इतना प्यारा नाचे हो तुम, गाने में भी बहुत तड़प थी नो डाउट, लेकिन गाने को वाकई तुमने उठाया है तुम्हारी परफॉर्मेंस से, सुपर्ब। दीपू बाबू अब आप चल जाओ हमनी के श्वेता जी के लगे। Too good to surpassed my imagination. मैं तो ये कभी सोच ही नहीं पाई थी जो तुमने स्टेज पे कर दिखाया, मतलब मेरी इमेजिनेशन को ऐसे निखारा है, मतलब सच में लग रहा था कि तारे। हाँ, और मैं लाइट वालों को भी, मैं चाहूंगी कि लाइट वालों के लिए भी एक जोरदार ताली दीजिए, जिस तरह उन्होंने तारों का इफेक्ट दिया था, इट लुक सो ब्यूटीफुल, इतना हेवनली लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था स्वर्ग है और वाकई स्वर्ग से कोई लाइट आई है और उसने पत्थर में जान फूंक दी है और पत्थर समझ नहीं पा रहा कि मुझ में जान आ गई और वो समझ नहीं पा रहा, बस नाच रहा है। इट वॉज सो ब्यूटीफुल एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू दीपू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चला दीपू बाबू अब चल जाओ हमनी के बड़की माई के लगे। बड़की माई आपके कैसन लागल है? मैं परफॉर्मेंस पहले बहुत डर रहा था। ये जितना भी आपने किया ये डर की वजह से हुआ है। यस मैम। अगर इंसान डर भूल जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। मैंने जो भी किया मैम बस का फल मिल गया मैम, इसे और भी कोशिश करूंगी, इससे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाऊं मैम आगे इंशाल्लाह। मुश्किलों से भाग जाना आसान है और जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान है, डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में यह सारा जहान है। अब चल जाओ तनी बड़की माई के लगे। बड़की माई इनके नंबर कितना मिलल है? दिल से दिया है, प्यार से दिया है, मेहनत देख के दिया है 40। 40 में 40 सबे देखनी है श्वेता जी के जाबाज दीपू बाबू के परफॉर्मेंस जोन जीत लेला सब बड़की माई के दिल। और आज दूगो परफॉर्मेंस में दोनों परफॉर्मेंस रहल अल्लाह जवाब के संग्राम के विजेता के मिली ढेर सारा इनाम और ओकरा साथ में दिहल जाई तेसाई शानदार बाइक। आई तनी चल जाओ हमनी के जोशीले टीम संभावना जी के और उनका से पूछल जाओ कि केकरा के भेजा तारी। अब मैं भेजना चाहूंगी मेरा छोटा पैकेट बड़ा धमाका अंजलि। अंजलि
कुछ कहल चाहू अपना संदीप भैया खातिर? भैया आज हम डांस करब खुल के अच्छा से करब, और हम रउआ के बहुत मिस करत हई, और हमरा यहाँ के कोनो बात के फिक्र ना बा, सब लोग हमरा साथ बारे, आप घबराइए ना, हम यहाँ बहुत खुश बानी बहुत। और अब आई सभे देखल जाओ कि पहिलका राउंड में अंजलि के तैयारी कैसन बाटे, का वो जीत पई है बड़की माई के दिल। Yeah.